स्वागत है आप सभी का। मैं हूं इंदु कुमारी, आप हैं हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। झारखंड उत्थान मंच एवं मांझी परगना महल के संयुक्त तत्वाधान में अभियान फॉर अ बेटर टुमारो के बैनर तले मांझी परगना महल घाटशिला परिसर में फलदार पौधों का रोपण किया गया। इसके बाद झारखंड राज्य समृद्धशाली राज्य बने, नशा मुक्ति आदि विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हर तबके के लोग उपस्थित रहे और राज्य को बेहतर बनाने के लिए अपने अपने राय दिए। इस दौरान विभिन्न राय एवं प्रस्तावों को सरकार को प्रेषित की जाएगी। मौके पर मुख्य रूप से प्रोफेसर मितेश्वर देश परगना, बैजू मुर्मू, इंदल पासवान, डॉक्टर आर के चौधरी, डॉक्टर जे एस सोय, डॉक्टर प्रसन्नजीत कर्मकार, आनंद अग्रवाल समेत कई लोग उपस्थित थे। हमारी मांगों का एक पक्षवादी होगा ताकि जो डोनर्स हैं उनकी सूची बन सके और जो डोनीज हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो बीमार हैं, वो हमारे अंगदान से सुलभ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इनमें संवाद की चर्चा होगी और ये दूसरा सवाल, दूसरा आस्पेक्ट होगा। तीसरा आस्पेक्ट है पर्यावरण। ये दूषित हवा हमें जीने नहीं दे रही, ये दूषित जल हमें दादा, ये मिट्टी शहर जा रही है और हमारा बुनियादी हक है स्वस्थ जीवन जाए। तो स्वस्थ जीवन की स्थिति लाने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके, ये हमारा तीसरा मुद्दा होगा जिस पर आपके प्रस्ताव आएंगे और हम उसे सूचीबद्ध करेंगे और उसे देश परगना के माध्यम से, विभिन्न आप लोगों के माध्यम से, अभियान फॉर ए बेटर टुमारो के माध्यम से, जैसे भी होगा वैसे इसकी जागृति लानी होगी। हमारे बुनियादी हक हमें मिलने ही चाहिए और बुनियादी हक है जीने का अधिकार, जो हमसे छूटता जा रहा है, लगातार छूटता जा रहा है। अगला मुद्दा होगा पर्यावरण के बाद ये मुद्दा होगा कि नशा खोरी। आप जानते हैं कि वो आदिवासी और गैर आदिवासी इससे स्वस्थ नहीं है। लगातार ड्रग्स का चलन, शराब का चलन, गांजा अफीम और गुटखा का चलन लगातार बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ेगा हमारी बढ़ेगी, सामाजिक कमिता बढ़ेगी और आपका पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत बेहतर ओकेजन हो, बड़ा ओकेजन हो, तो हम लोग कुछ करें कि ना करें, कम से कम कुछ पौधा जरूर लगा दें। आज उसी कड़ी में एक अभियान है, एक सामूहिक पौधारोपण। और आज हम लोगों के अभियान के एक वरिष्ठ सदस्य जो अब हमारे साथ नहीं है, स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह, उनका जन्मदिन था 1 तारीख। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि उनके जन्मदिन पर हम लोग पौधा लगाएंगे, किसी कारणवश हम लोग नहीं लगा पाए। उन्हीं की याद में ये सारे पौधे आज लगा रहे हैं, उनके मेमोरी में, और उनको डेडिकेट है ये सारे पौधे। हम लोग सारे अभियान के सदस्य उनको ये डेडिकेट कर रहे हैं और इत्तेफाक से आज मेरा भी बर्थडे है। उसी ओकेजन में ये पौधारोपण है और इसके बाद, पौधारोपण के बाद हम लोग सारे मिल के बैठेंगे महल के इस भवन में। और चूँकि झारखंड में पहली बार झारखंडी सरकार बनी और इस सरकार से बहुत उम्मीदें भी हैं हम सबों को। ये सरकार क्या करे तो कैसे करे, कुछ सुझाव और प्रस्ताव आज हम लोग यहाँ ग्रहण करेंगे और वो सारे सुझाव और प्रस्ताव को कंपाइल करके सरकार को देंगे कि ये झारखंड की पहचान और झारखंड की बेहतरी कैसे हम लोग कर सकते हैं। एक आम आदमी भी सुझाव दे सरकार को। आज छुट्टी है तो जस्ट पौधारोपण के बाद हम लोग बैठने वाले हैं। अलग अलग सेक्शन के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोगों से सुझाव मांगने वाले हैं। सारे सुझाव के साथ हम लोग एक दो दिन में ये प्रस्ताव सरकार को भेज देंगे कि हमारे झारखंड कैसे, इसकी पहचान, इसकी अस्मिता, इसका विकास, सब कुछ बेहतर हो सके, इसी उद्देश्य से ये सारे कार्य। कौन कर रहा है ये हम लोग नहीं देखते। अगर अच्छा कुछ समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए काम हो रहा है तो हम लोग
शामिल होते हैं, एक शिक्षाविद, एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ स्कूल होने का नाते ही आज ये पौधारोपण जो हो रहा है, इसका बाद जो कुछ प्रस्ताव ले लिया जाएगा झारखंड सरकार को, जो प्रस्ताव भेजा जाएगा अच्छा झारखंड, अच्छा देश, अच्छा राज्य और अच्छा घाटशिला बनाने के लिए जो हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे, वो जरूर हम लोग को उम्मीद है झारखंड सरकार को मानेंगे और आने वाले दिन में उसको वास्तवित करके घाटशिला का मॉन्यूमेंट होगा और साथ ही साथ पूरा देश का, राज्य का मॉन्यूमेंट होगा। इसी वृक्षारोपण का बाद हम लोग अभी बैठेंगे और प्रस्ताव में भागीदारी लेंगे। इसमें काफ़ी सारा टीचर्स है, काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति है, काफ़ी कॉलेज समाज से भी स्कूल का टीचर्स है, स्कूल का प्रिंसिपल्स है, अभी जमशेदपुर से कई भी सर आए हुए एनसीसी ऑफिसर भी है, इसमें सब कोई मिलकर समाज से भी, विशिष्ट समाज से भी है, सब कोई मिलकर एक यूनाइटेड प्लान है ये। और इसी उम्मीद का साथ एक अच्छा मैसेज भी हम लोग घाटशिला वासियों को देना चाह रहे हैं, जो आज पौधा लगाया जा रहा है इसको कैसे ठीक रखा जाए, आने वाले दिन में ये एक वृक्ष का रूप में कैसे आ सके, इसे सबका जिम्मेवारी, यही मैसेज संकल्प लेने के लिए आज हम लोग ये इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद।